नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। कासगंज के गांव निजामपुर में रविवार को पहली बार किसी दलित की बारात चढ़ी। दूल्हा संजय घोड़ा बग्घी पर सवार होकर आया। संगीनों के साय में तय रूट पर बैंड बाजे के साथ बारात की चढ़ाई हुई। दरवाजे पर परंपराओं के अनुसार बारात का स्वागत किया गया। महिलाओं ने घोड़ा बग्घी पर सवार दूल्हा संजय की आरती उतारी और तिलक लगाया। वहीं बारातियों ने भी बैंड बाजे पर जमकर डांस करते हुए मस्ती की। बारात चढ़ने के दौरान बारात के चारों ओर जहां सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए थे, तो वहीं बारात के रूट पर पुलिस और पीएससी के जवान पहरा दे रहे थे। वहीं दुल्हन शीतल भी अपनी शादी को लेकर बेहद खुश नजर आई। बारात आने के बाद दूल्हा संजय बग्घी पर सवार हुआ और कुतुबपुर मार्ग पर बनाए गए खेत में जन्माष्टमी के बाहर से बारात शुरू हुई। बैंड बाजे बजते ही बाराती जश्न में डूब गए। बारात कुतुबपुर मार्ग से निजामपुर तराहे पर पहुंची, जहां से बारात निर्धारित रूट पर होती हुई गांव की गलियों की ओर पहुंच गई। वहीं जहां दूसरी आबादी के लोगों के घरों के सामने से बिना किसी व्यवधान के बारात भ्रमण करती हुई दुल्हन के दरवाजे तक पहुंची। बारात करीब 6 बजे शुरू हुई और 7:15 बजे तक बारात दुल्हन के दरवाजे पर पहुंच गई थी। वहीं बारात के दौरान आए बाराती संजय की बग्घी पर चढ़कर फोटो खिंचवा रहे थे और सेल्फी भी ले रहे थे। बता दें कि शादी के दौरान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद थे। एडीएम राकेश कुमार सिंह, एएसपी पवित्र मोहन त्रिपाठी, एसडीएम देवेंद्र प्रताप, सीओ गवेंद्र गौतम सहित अन्य अधिकारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।